हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ये दलाई हिल्स के सबसे टॉप मोस्ट पीक पे हैं हम लोग। चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना। हिल्स टेंपल आए हुए हैं हम लोग सब घूमने के लिए यहाँ पे। और इधर का देखिए नजारा पूरा जो है हिल्स का, इतना शानदार व्यू है यहाँ पे व्यू। तो गाइस अभी जो है ठंडा में यहाँ पे चंपी वाटरफॉल के अंदर जा रहे हैं। तो गाइस आज जो है हम लोग 31 दिसंबर को जा रहे हैं मसूरी, वहाँ जो है हम लोग न्यू ईयर बिताने वाले हैं और जो है मसूरी का ट्रिप करने वाले हैं। देखते हैं मसूरी में क्या क्या घूमने लायक है, वहाँ पे सारे जगह जो हम लोग घूमेंगे। अब सभी जो है यहाँ पे तैयार है जाने के लिए मसूरी की ओर। ये देखिए सिंह द्वार है हरिद्वार का और ये हमारी गंगा माँ। तो मिलते हैं मसूरी में, चलिए। तो गाइज अभी जो है यहाँ का रोड देखिए कैसा गिज्जा की तरह चल रहा है। इधर देखिए नीचे में जो है कितना खतरनाक खाई है, अगर नीचे यहाँ से गिरे तो आदमी सीधा ही ऊपर। और अभी जो है ऊपर चढ़ना है एकदम वहाँ पे किला पे। प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर के पास आ गए, बहुत ही फेमस है ये। और जो है मसूरी से हम लोग लगभग अभी बस 15 किलोमीटर पीछे है। अभी देहरादून में हम लोग है, यहाँ पे देखिए देहरादून में प्रकाशेश्वर मंदिर के पास। अब जो है थोड़ा जाते हैं महादेव से, थोड़ा जो है आशीर्वाद ले लेते हैं कुछ ना। और रास्ते में ऐसे ऐसे करके रास्ता है, जिग जैग वाला रास्ता, सब बहुत कठिनाई हुई है, लेकिन अलग लेवल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे ड्राइव करने का। कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। मसूरी में हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, थोड़ा सा आगे चल के जो है अरावली हिल वगैरह सब है। Hey guys, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। इधर देखिए सभी लोग जो है अभी सनसेट का मजा ले रहे हैं, क्या ही तगड़ा व्यू है। इधर देखिए सनसेट कितना सुंदर यहाँ पे लग रहा है। और जो पहाड़ है यहाँ पे, पहाड़ तो और भी मस्त लग रहा है। यहाँ चार चांद धुंधला है, धुंधला। हाँ धुंधला सा है। बस यहाँ पे देखो यहाँ बादल कितना नजदीक है गाइस। हाँ बादल बहुत ज्यादा नजदीक है यहाँ। कमन तो चलते हैं गाइस, अब सीधा हिल पे मिलते हैं। गाइज अभी जो है फाइनली यहाँ पे हम लोग सनसेट देख लिए हैं। ये देखिए शानदार नजारा है अभी यहाँ पे, एकदम जो है ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पे है। तो गाइज शाम को जो है बहुत ज्यादा भूख लग गया था अभी जो है, और अभी हम लोग यहाँ पे भुट्टा खा रहे हैं। टेस्ट करता है अभी सुबह में जो हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, सारा जो दिखाएंगे आप लोगों को किधर घूम रहे हैं हम। और शाम का सनराइज अभी देख चुके हैं, अब थोड़ा खाना खाना है जाके। बहुत जोर का भूख लगा हुआ था, पूरा मसूरी जो है स्ट्रीट हम लोग छान मार लिए, लेकिन जो है कहीं पे सही खाना नहीं मिला। फिर डोमिनोज याद आया तो डोमिनोज आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये लोग पनीर वगैरह जो पिज़्ज़ा है इसका जो खाना है वो मंगा लिया है, और हमारा थोड़ा वेटिंग लिस्ट में है, देखते हैं कब तक आता है। और ठूसो सब का फिर मीठा होता है भाई। हमारा ये जो है आ गया है, ये जो है कॉर्न वाला है, और ये जो है ये पनीर वाला है, और ये चिकन वाला है। और यहाँ पे आयान तैयार है खाने के लिए। क्या भूख लगा है? बहुत तेज भाई, सबसे अच्छा ना पिज़्ज़ा है मेरा। और ये संजीव ट्राई करके। हाँ बताओ संजीव। अलग अलग टाइप का सामान आए हुए हैं, पनीर भी, चिकन भी, कॉर्न वाला भी। देखते हैं यहाँ पे कुछ अलग तो नहीं मिल रहा है डोमिनोज, वैसे तो सेम ही मिलना चाहिए। देखते हैं अब यहाँ का टेस्ट कैसा है, जल्दी जल्दी खाना शुरू करते हैं यहाँ पे। और सुमित कैसा लगा टेस्ट यहाँ का? रमन गुप्ता पांडे जी और ये सिद्धार्थ अभी लाइन में ही है। और ये रहा पहला वाइट, और ये रहा पहला वाइट कॉर्न। चीयर्स। ये देखिए ये है मसूरी का स्ट्रीट व्यू यहाँ से। ये देखिए नीचे जो है पूरा पहाड़ पे घर बना हुआ है उधर, और सारा कुछ यहीं से होता है। ये देखिए लाल का 2 नंबर
कौन सा लाल? नीचे से नीचे से लाल नीचे से मिस मिस होते हुए लाल वाला लाइन का ब्लू वाला टारगेट कंप्लीट कर पाता है कि नहीं जस्ट मिस और 2024 आने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर। चंदन लोग कहाँ हैं? फिर के संदूकों में मेरे अच्छे नाम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम कर दिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, बेलिया ओ पिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे। ये पेंडुलम की तरह आगे पीछे हो रहा है, ये देखिए, कभी इधर कभी उधर। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह हम लोगों को मिल गया है मसूरी में। ये देखिए नीचे हमारे पूरा जो है घर है जो कि पहाड़ पे बसा हुआ है। हर लाइट जो है एक एक घर का जो है लाइट है। भाई आज कितना मेगापिक्सल होगा भगवान जाने। हाय बाय बाय हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस सुबह सुबह हम लोग उठ गए हैं और जो है हम लोग गुरुद्वारा में स्टे किए थे, जहाँ पे जो है 1000 में 4 बेड मिला था। यहाँ पे सुमित सोया हुआ है देखिए पूरा, और यहाँ पे जो है रमन सोया हुआ है, नींद ले रहा है, पता नहीं कब उठेगा। तब तक हम लोग जा रहे हैं घूमने। और यहाँ पे एक बेड है, मतलब 4 बेड था ये रूम। देखिए यहाँ पे कैसा मिलेगा आपको, 1000 में आराम से 4-5 आदमी रह सकते हैं। तो गाइस चलिए आपको अभी जो है बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, कितना ज़्यादा मस्त है यहाँ मसूरी का, जिसको देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। ये देखिए यहाँ पे रूम के बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए चंदन जो है सुबह सुबह में हैप्पी न्यू ईयर कर रहा है। क्या चंदन? हैप्पी न्यू ईयर गाइस इन मसूरी। ये देखिए मसूरी का शानदार व्यू। ये देखिए यहाँ का नज़ारा कितना ज़्यादा जो है एकदम सुपर ब्यूटीफुल है। ये देखिए मतलब लाजवाब जो है यहाँ का नज़ारा है। ये देख सकते हैं सनसेट, ये सनराइज है यहाँ का। ये देखिए मस्त नज़ारा है। देखिए घर कैसे पहाड़ पे रहता है। धुंधला सा है, धुंधला सा। अभी चलेंगे हम लोग घूमने। तो गाइज अभी जो है हम लोग दलाई हिल्स के ऊपर जो ट्रैकिंग करके चढ़ रहे हैं। लगभग जो वहाँ पे पीक है, आधा रास्ता जो है हम लोग ट्रेवल कर लिए हैं और आगे अभी जा रहे हैं। क्या नाम है? फोकस। उधर देखिए उधर का सीन कितना ज़्यादा शानदार नज़र आ रहा है। और अभी जो है ऊपर चल रहे हैं, तो मेरे साथ आइए। देखिए इधर जो है पहाड़ कैसे काटा गया है। हाई ओनली 300 मीटर, लेकिन सबकी फट रखी है। 300 मीटर ही चढ़ने में ना अभी हालत खराब हो चुका है, घर का याद आ रहा है। आई थिंक टॉप मोस्ट पॉइंट है। हाँ ये देखिए यहाँ पे पूरा जो फ्लैग लगा हुआ है, और उधर नीचे में देखिए खेती कैसे होता है, पहाड़ी फार्मिंग टेरेस में ही होता है। और इधर का देखिए कितना शानदार व्यू आ रहा है पीछे का। वाओ सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। तो फाइनली हम लोग जो है पिक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब पहुंचने वाले हैं, तो पहुंच ही गए हैं। और तुम नीचे पहुंचो। ये इटरनल फ्लेम, ये देखिए
भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध के पास आ गए हैं। बुद्धा पॉइंट देखिए, यहाँ जो शानदार व्यू आने वाला है चारों साइड। Oh my God! ये देखिए कितना ज्यादा शानदार है, ठीक है, पहाड़ का नजारा आ रहा है, काफी खूबसूरत दिख रहा है। उधर देख, इधर 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 इधर, ये देखो लवासना का वो ट्रैक और हेलीपैड, और उधर रेसिडेंशियल एरिया। ये दलाई हिल्स के सबसे टॉप मोस्ट पीक पे हैं हम लोग, और वहाँ पे जो है हमारा इंडियन फ्लैग। तो गाइज अभी जो है जीयूस टेंपल आए हुए हैं हम लोग सब घूमने के लिए यहाँ पे, और इधर का देखिए नज़ारा पूरा जो है हिल्स का, इतना शानदार व्यू है यहाँ पे, व्यू का मजा उठा रहा है सब कोई। क्या सुनो, कैसा लग रहा है यहाँ से गिरने के बाद? कुछ हो सकता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नीचे देख रहे हैं कैसे आदमी लोग सर्वाइव करते होंगे, सोच सकते हैं। मतलब वो लवासना का बिल्डिंग है, जूम करो। कौन सा? तो गाइज अब जो है फाइनली हम लोग अपने जो है लास्ट डेस्टिनेशन की ओर मसूरी में, ये केम्प्टी वाटरफॉल है। यहाँ पे बहुत सारे आदमी जो यहाँ पे आते हैं ठंड के टाइम में भी घूमने के लिए, और नहाते भी हैं। अभी नहा रहे हैं नीचे, यहाँ देखिए कितना ज़्यादा शानदार यहाँ पे झरना जो है। अभी जा रहे हैं हम भी नहाने के लिए, और देखते हैं पानी कैसा लगेगा। अभी तो डर हो रहा है, ठंडा में घूमने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी हिम्मत करके जा रहे हैं। पैसा दिए हैं, आने में पैसा लगा है, तो थोड़ा जो है वर्थित तो होना चाहिए। ए भाई साहब, बिहार से आए, द्वार से यहाँ पहुँच गए हैं मुकोटगंज में, कैंप्टी फॉल में। आप देख सकते हैं अभी ये नहाने जाएंगे, नहाने गए, ठंड के मजे लेंगे साथ साथ में, और देखना किस तरह से टुकड़ी छूटे इनकी, ये तो इनको ही पता लगेगा जब अंदर जाएंगे। और इनके चैनल क्या नाम है भाई साहब? शर्मा जी ब्लॉग, उनको लाइक कीजिए, इनके चैनल को भी लाइक कीजिए, आप देख सकते हैं। और मुझे भी थोड़ा सा फॉलो कीजिए, विजय कुमार रणवीर, विजय रणवीर फेसबुक पे आईडी है मेरी। थैंक यू भैया, और अभी देखिए ये लोग भी यहाँ पे सब कोई आया हुआ है वाटरफॉल के लिए, और बहुत ज्यादा भीड़ है। ये देखिए अयान किधर गया रे, अयान वहाँ पे देखिए हेलमेट लगाया हुआ है अभी तक चलान करने के डर से। तो गाइस अभी जो है ठंडा में यहाँ पे केम्प्टी वाटरफॉल के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं। बहुत ही खतरनाक ठंडा अभी महसूस हो रहा है इसका, बस थोड़ा थोड़ा छीटा पड़ रहा है उसी में। अब हम लोग अंदर चल रहे हैं, देखते हैं पानी कैसा लग रहा है, डर हो रहा है पानी के अंदर जाने से। डूब जाओ, वो आ जाओ वहाँ। फाइनली जो है मसूरी का ट्रिप यहां से खत्म हो रहा है। यहां चाय और जो है थोड़ा सा नहा लिए हैं, तो ठंडा लग गया था जिसके कारण हम लोग चाय पी रहे हैं। और मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन ब्लॉग के साथ। शर्मा जी ब्लॉग, शर्मा जी ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।